Good noon everyone, I am your Sanskrit teacher from Happy Camera School. Class, आज मैं आप सभी को आज की एक्टिविटी में लट लकार यानी कि जो धातु रूप हमने प्रीवियस अपनी एक्टिविटी क्लासेस में किए थे आज उसमें मैं आपको एक कदम और आगे लेके चलते हैं। आज हम बात करेंगे उत्तम पुरुष की। उत्तम पुरुष में आज हम देखेंगे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में कौन कौन से प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, या चिन्ह का। इस तरीके से धातुओं के साथ हम जब प्रत्ययों को प्लस करते हैं तो वो क्रिया बन जाती है। याद है मैंने आपको हमेशा से बताती हूँ कि धातुएं एक तरीके से खाद का मतलब खाना, जब आप उसका हिंदी में अर्थ निकालते हैं तो वो पूर्ण क्रिया बन जाती है, लेकिन संस्कृत में ये धातुएं अधूरी होती हैं, इन्हें हम क्रिया नहीं कह सकते। ये क्रिया सिर्फ तभी बनती है जब इनमें हम प्रत्ययों को प्लस करते हैं, जैसे खाद जमा आमी खादामी। आप देख सकते हैं क्योंकि ये जो अ है ये आ इस द को जो द है जो कि अधूरा है उसे पूर्ण कर देगा, तो यह बन जाएगा खादामी। पिब चमा आमी यानी कि पिबामी। देखिए आमी एक वचन में आता है, ये इसका प्रत्यय हो गया। खादामी यानी कि मैं खाता हूँ, पिबामी मैं पीता हूँ। हंस चमा आमी यानी कि हंसामी यानी कि मैं हंसता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे नम। अब मैं बात करती हूँ उत्तम पुरुष के द्विवचन में, तो नम जमा आवहा नमावहा, चल जमा आवहा चलावहा, लिख जमा आवहा लिखावहा। अब देखिए उत्तम पुरुष के द्विवचन में क्या होता है, ये आता है हम दो के लिए। द्विवचन में देखिए एक वचन में तो मैं आ जाता है यानी कि अहम, द्विवचन में आता है क्या आएगा बच्चों, कुछ याद है, आवाम यानी कि हम दोनों, तो इसलिए इसका प्रत्यय होता है आवहा यानी कि हम दोनों नमस्ते करते हैं या नमस्कार करते हैं, हम दोनों चलते हैं, हम दोनों लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं उत्तम पुरुष बहुवचन की। वद जमा आमहा वदामहा, पट जमा आमहा पठामहा, वस जमा आमहा वसामहा। देखिए उत्तम पुरुष का जब आता है बहुवचन तो उसमें होता है क्या, हम सब, क्या होता है उसका, हम सब यानी कि आमहा, वदामहा यानी कि हम सब बोलते हैं, पठामहा हम सब पढ़ते हैं, वसामहा हम सब रहते हैं। याद रखिएगा, दोबारा से बता देती हूँ। देखिए अगर इसके कर्ता की बात करें तो इसका कर्ता क्या होता है बच्चों, अहम। इसका कर्ता क्या होता है, आवाम द्विवचन का, और बहुवचन का कर्ता होता है वयम। अहम का अर्थ होता है मैं, आवाम का हम दोनों, और वयम का हम सब। तो सेवन्थ क्लास आपको इसका, जैसे आप सभी ने पहले भी एक इसका बनाया था, पेज पे से ड्रॉ किया था प्रॉपर तरीके से, अब भी आपको ये बनाना है बच्चों। इसे करने के पीछे सिर्फ एक छोटा सा कारण है, कारण ये है कि इस तरीके से आपको प्रत्यय लगा कर के क्रिया बनाना याद हमेशा रहेगा और आपके लिए आसानी भी रहेगी। तो क्लास आज के लिए इतना ही, थैंक यू।